नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 24 मार्च, कल के सेशन की बात करें, कल इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक मार्केट तक सभी जगह पे हमने देखा कि प्राइसेस में थोड़ा पुलबैक आता हुआ दिखाई दिया। जहां हमने देखा कॉटन के प्राइसेस के अंदर पिछले 2-3 दिनों में गिरावट थी, वही गिरावट कंटिन्यू थी। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि यूएस कॉटन 82 सेंट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना से भी हमने देखा कि मिला जुला नेगेटिव ही ट्रेड था, जिसका एक रिफ्लेक्शन कॉटन प्राइसेस पे भी पड़ता हुआ दिखाई दिया। प्राइसेस में दबाव ऐसे भी आया है कि सीसीआई ने रिड्यूस किया है सेलिंग प्राइस, जिसकी वजह से प्राइसेस का एक सेंटिमेंट खराब हुआ है। साथ में जो पिछले कुछ दिनों में हमने बड़ी तेजी देखी, उसके बाद एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा। तो कल हमने 21,170 पे 0.5% की गिरावट के साथ कॉटन को बंद होते हुए देखा। वहीं कपास के अंदर भी गिरावट आते हुए दिखाई दी। साथ में कॉटन सीड ऑयल केक में हमने एक मिला जुला ट्रेड देखा। हमने देखा प्राइसेस 2420 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अनलेस एंड अंटिल 2420-2450 का लेवल होल्ड नहीं करता है, पॉसिबल है हम एक पुल बैक देख पाए जो 2350 से लेकर 2360 तक का लेवल दिखा सकता है। इन ऑल हमें लगता है कि जो सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है, वो सप्लाई कंसर्न्स के अंदर प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आने वाले कुछ सेशंस के अंदर। इनकेस बाकी कमोडिटीज के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं ये कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर भी दबाव ला सकता है, जो डाउन साइड के अंदर करीबन 2340-50 का लेवल दिखा दे। चार्ट के लिए भी अगर हम बात करें तो कॉटन वैसे एग्जॉस्टेड दिखा रहा है चार्ट पे, बट ध्यान रखिए यहाँ पे 50 और 200 डे मूविंग एवरेज का एक नेगेटिव क्रॉसओवर होने की गुंजाइश है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड में जा चुका है, तो कहीं ना कहीं आज लोअर लेवल पे प्राइजेस को सपोर्ट मिलने की कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है प्राइसेस को जो सपोर्ट मिलेगा वो 21,000 से लेकर 20,750 का सपोर्ट रहेगा। तो दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, बट इवनिंग सेशन में चार्टिकली प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने की गुंजाइश है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी भी रिकवरी दिखाई देती है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो प्राइसेस ने मल्टीपल ऑफ टाइम 2420 का लेवल तोड़ने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं कर पाया। एक पुलबैक दिखा रहा है जो करीबन 2340 तक का पुलबैक रह सकता है, जो 100% ऑफ रिट्रेसमेंट है। तो आज दिन के सेशन में 2420 के नीचे कॉटन सीड ऑयल केक बेच के चलिए, डाउन साइड में 2340 तक का लेवल हम देख पाएंगे। इचिमिको क्लाउड अभी भी ग्रीन है, जब तक प्राइसेस क्लाउड के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, बट आज दिन के सेशन में मार्केट गिरावट भरा रह सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।